ईरानियों से जंग के बाद सुल्तान सलीम ने मिस्र की ममलूक सल्तनत की तरफ रुख किया और 1516 से 1517 ईस्वी के दरमियान ममलूकों का कत्लेआम करने के बाद सलीम ने ममलूक सल्तनत को उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। ममलूकों की शिकस्त के चंद सालों बाद 1520 ईस्वी में सुल्तान सलीम की मौत हो गई। उसने सल्तनत उस्मानिया के रकबे में 70% इजाफा किया था। सुल्तान सलीम की मौत के बाद उनका बेटा सुलेमान सल्तनत का नया सुल्तान बना, जिन्हें यूरोप सुलेमान द मैग्निफिशेंट और उस्मानी उसे सुलेमान अल कानूनी के नाम से पुकारते थे। सुल्तान सुलेमान ने इक्तदार में आने के बाद सबसे पहले नए इस्लामी कानून मुतारफ कराए जो अगली 3 सदियों तक जारी रहे। सुल्तान सलीम अव्वल की वफात से पहले उस्मानियों और अहले हंगरी के दरमियान आवेजिश पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से सरहद पर छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थीं। सुल्तान सुलेमान ने सुल्तान बनने के बाद हंगरी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। इसी गर्ज से उन्होंने 1521 ईस्वी में अपनी फ़ौजों के साथ बलगरात का मुहासरा कर लिया और चंद दिनों की गोलाबारी के बाद ये किला फतह हो गया। 4 साल के बाद सुल्तान का मुकाबला हंगरी की फ़ौज के साथ हुआ और इस जंग में हंगरी का बादशाह मारा गया। इसकी मौत के बाद हंगरी में तख्त के लिए जंगें शुरू हो गईं। फिर 1529 ईस्वी में सुल्तान सुलेमान ने वियना का मुहासरा कर लिया, लेकिन मौसम की ख़राबी और रसद की कमी की वजह से ये इलाका उस्मानियों के हाथों फतह ना हो सका। 1534 ईस्वी में सुल्तान सुलेमान ने सफवी सल्तनत के ख़िलाफ़ पेशकदमी की और चंद इलाके हासिल करने के बाद 1544 ईस्वी में उस्मानियों और सफवियों के दरमियान सुलह हो गई। इसके बाद उस्मानियों ने अमीरुल बैर खैरुद्दीन बाबरोसा की सरबराही में यूरोपीय इतिहादी यूनान को बैरी जंग में शिकस्त दी और उस्मानी सरहदें अफ्रीका तक फैल चुकी थीं। ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में सुल्तान सुलेमान ने ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़ आखिरी जंग लड़ी। इस जंग में जब उस्मानी फ़ौज का किला सक्तवार में फातहाना दाखिल हुई तो इस वक्त उनका महबूब सुल्तान सुलेमान खालके हक़ीक़ी से जा मिला था। सुल्तान सुलेमान की वफात के बाद उनका बेटा सलीम सानी 1566 ईस्वी में उस्मानी सल्तनत का नया सुल्तान बना, लेकिन सुल्तान बनने के बाद असल अख्तियारात वज़ीर आज़म सोकवालली पाशा और उनकी बीवी नूरबानो सुल्तान के पास थे, इसलिए सलीम सानी हुकूमती इंतज़ाम से काफ़ी दूर रहते थे। सलीम सानी ने जंग की बजाय अमन को तरजीह दी और उन्होंने पड़ोस की रियासतों से अमन मुआहदे किए। 1568 ईस्वी में सुल्तान ने ऑस्ट्रिया के साथ एक अमन मुआहदा किया और फिर सुल्तान ने सफवी सल्तनत के साथ अमन मुआहदा किया। फिर सुल्तान ने रूस के साथ भी एक मुआहदा कर लिया, लेकिन इसके बावजूद सुल्तान को यूरोप के बैरी फौज से जंग लड़ना पड़ी, क्योंकि 1570 ईस्वी में जब उस्मानियों ने साइप्रस का जजीरा फतह किया तो इससे यूरोप में खलबली मच गई और 1571 ईस्वी में लिपाटो की जंग हुई। इस बैरी जंग में तुर्क बेड़े को शिकस्त हुई और अमीरुल बैर समेत 30,000 तक उस्मानी सिपाही शहीद हुए। सुल्तान सलीम सानी की वफात से पहले त्यूनस और साइप्रस पर उस्मानियों का कब्ज़ा हो चुका था। 1574 ईस्वी में सुल्तान सलीम सानी इंतकाल कर गए। उनका बेटा मुराद सालिस नया उस्मानी सल्तनत बना। मुराद सालिस ने ऑस्ट्रिया और सफवी सल्तनत के ख़िलाफ़ जंगें शुरू की, जिससे सल्तनत को बदतरीन नुकसान हुआ। मुराद सालिस दूसरे ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने फ़ौज की कमान तख्त पर बैठकर की थी और वो फ़ौजों के साथ मैदान जंग में नहीं गए। 1595 में मुराद सालिस का इंतकाल हुआ, जिसके बाद उनका बेटा मोहम्मद सालिस नया सुल्तान बना। सुल्तान मोहम्मद सालिस की वफात के बाद उनका बड़ा बेटा अहमद अव्वल, जो कि अभी सिर्फ 14 साल का था, तख्त नशीन हुआ। सुल्तान अहमद ने तख्त नशीन होने के बाद 1604 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया से एक लश्कर सफवी सल्तनत के ख़िलाफ़ जंग के लिए रवाना किया, लेकिन सफवियों ने पहले ही पेशकदमी करके एरिवान पर कब्ज़ा हासिल कर लिया। इधर दूसरी जानब उस्मानियों के लिए ऑस्ट्रिया की सरहद पर एक और महाज खुल गया, क्योंकि सदर आज़म लाला मुस्तफ़ा ने जो इलाका फतह किया था उन्हें वो मौसम की ख़राबी और यनीचरी के आगा की कम हिम्मती की वजह से खाली करना पड़ा और 11 नवंबर 1606 ईस्वी को सुलहनामा सेतवा तोरक पर दस्तखत हुए। 1612 ईस्वी में उस्मानियों और सफियों के दरमियान एक माहिदा हुआ, जिसकी रूह से उस्मानियों ने चंद इलाके सफियों को वापस किए। ईरान के साथ जंगों में ज़्यादा नुकसान तुर्कों का ही हुआ। सुल्तान अहमद ने इसके अलावा कुछ यूरोपीय ममालिक से तजारती माहदे किए।
सुल्तान अहमद 22 नवंबर 1617 ईस्वी में 28 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सुल्तान अहमद की वफात पर उसके 7 बेटे थे, जिसमें से 3 तख्त नशीन हुए, लेकिन पहला जानशीन उसका भाई मुस्तफ़ा था। अब तक 14 पुश्तों से सल्तनत उस्मानिया की विरासत बाप से बेटे को मुंतकिल हुई थी, लेकिन यह पहला मौका था कि बेटे की बजाय मरहूम सुल्तान का भाई तख्त नशीन हुआ। सुल्तान मुस्तफ़ा सिर्फ नाम के सुल्तान थे, जबकि असल हुकूमत उनकी वालदा हलीम सुल्ताना के हाथ में थी। सुल्तान मुस्तफ़ा सिर्फ 3 माह ही हुकूमत कर सके और 16 फरवरी 1618 ईस्वी को उन्हें माजूल करके उनके भतीजे उस्मान को तख्त नशीन कर दिया गया। सुल्तान उस्मान का दौर हुकूमत सल्तनत के लिए नहायत नामुबारक साबित हुआ। तुर्कों को मुसलसल शिकस्तों से मजबूर होकर 1618 ईस्वी में ईरान से सुलह करनी पड़ी और वह तमाम तर फतूहत जो मुराद सालिस और मोहम्मद सालिस के अहद में हासिल हुई थी वो ईरानियों को वापस कर दी गईं। फिर सुल्तान को कैद कर दिया गया, जहां दादू पाशा ने अपने 3 साथियों की मदद से कैद खाने में बेरहमी के साथ सुल्तान उस्मान को फांसी दे दी। सुल्तान उस्मान की वफात के बाद 1622 ईस्वी को मुस्तफ़ा को फिर कैद खाने से निकाल कर सुल्तान बना दिया गया। सुल्तान मुस्तफ़ा ने तख्त पर आने के बाद सुल्तान उस्मान के कातलों को चुन चुन कर कत्ल किया, लेकिन मुस्तफ़ा की नायाली अब भी मुसलसल बरकरार थी। उसके दौरे हुकूमत में सल्तनत में बदअमनी और शोरशें बहुत बढ़ गई थीं। चुनाचा अगस्त 1623 ईस्वी को मुस्तफ़ा दूसरी मरतबा माजूल किया गया और सुल्तान उस्मान का भाई शहजादा मुराद, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, को 10 सितंबर 1623 ईस्वी को तख्त पर बिठा दिया गया।